राजस्थान के जोधपुर में रामचौकी आश्रम के महंत सुंदरदास पर उनकी एक शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस बाबत महिला ने महंत के खिलाफ दिल्ली के संजीव मंडी थाने में दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि महिला महंत की शिष्या रही है। पहले महिला ने छेड़खानी की शिकायत की थी। दुष्कर्म की शिकार महिला ने महंत के बारे में सनसनीखेज खुलासा किया है। बाबा का जोधपुर में मुख्य सेंटर है। खुद को भगवान से भी ऊपर बताते हैं। आश्रम एक दलदल है जिसमें प्रवेश करने वाले इसमें हमेशा के लिए फंस जाते हैं। यहाँ आया शख्स किसी भी लेवल पर महंत को नहीं छोड़ पाता। जो छोड़ना चाहता है उसके साथ महंत क्या क्या करते हैं बयान नहीं किया जा सकता। मेरी माता इस बाबा से जुड़ी थी। फिर मैं भी माँ के साथ जाने लगी। मैं बहुत बीमार थी। जब माँ ने महंत के पास मुझे ले गई, मुझसे कहा गया कि महंत को छू लेने से उनके आशीर्वाद से मौत भी टल जाया करती है। महंत ने कहा कि तुम अपने पति के पास मत जाना। मैंने महंत के कहने पर पति से तलाक ले लिया। मुझे रोज सत्संग में बुलाया जाता था। झांसा देकर महंत ने अपने एक शिष्य से मेरी दूसरी शादी का दबाव बनवाया। मेरी शादी राजेश अग्रवाल से करवा दी। वह अभी तलाकशुदा था। महंत के आश्रम में रहता था मेरा होने वाला दूसरा पति। मुझे महंत अपने कमरे में बुलाते थे। अलग अलग बहाने से गलत हरकत करते थे। मेरी नई शादी हुई थी तब भी मुझे जबरन जाना होता था। मजबूरी में मेरे सिर पर हाथ रखते थे, गलत तरीके से टच करते थे, पारदर्शी कपड़े पहनते थे, कई बार बिना कपड़ों के रहते थे। मैं मजबूर थी। एक शिष्या खुदकुशी कर चुकी है। महंत के चलते मेरा शोषण 2012 मई से 2014 तक हुआ। मेरे साथ 2014 में दुष्कर्म किया महंत ने। मेरे पति जेल में हैं, उनकी जान को भी खतरा है। मेरे पति के खिलाफ जो रेप का मामला लगा है वह झूठा है। मेरी जानकारी के मुताबिक महंत के लगभग 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।